ये जो कोड लिखता हूँ मैं, ये github.com पे पुश हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? मैं बता देता हूँ आपको वो किधर पुश हो। आप मेरे यहाँ पे जाएंगे, मेरे नाम पे क्लिक करेंगे गिटहब में जाके, आप रिपॉजिटरीज़ में जाएंगे, बैज 3 के नाम से यहाँ पे ना ये देखें रिपॉजिटरी बनी हुई है, इसमें वो अभी तक का जितना कोड है वो सारा कुछ इसमें पुश हुआ है, ठीक है? HTML CSS फ्लैक्स बॉक्स। अच्छा जी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसका फोल्डर ज़रा सा ना अलग बना रहा हूँ, कि इसका फोल्डर कैसे बनना चाहिए, इसका फोल्डर बनना चाहिए ES6 का फोल्डर बना के, और इन दोनों को ना ब्राउज़र और इसको इसमें मूव कर देता हूँ, ठीक है? और ये फिर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है? ये दोनों हेलो वर्ल्ड है असल में। अच्छा, तो अभी हमारे पास 10 मिनट मौजूद हैं, जो टाइम हमारे पास था वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन 10 मिनट है हमारे पास। तो इस 10 मिनट में ना हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं छोटा सा, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है? ES6 वेरिएबल एक्चुअली। अच्छा, मैं ES6 क्यों लिख रहा हूँ सब के साथ, ताकि आपको कोई भी शक शुबा ना रहे कि ES6 नहीं है। सही है, तो किसी भी शक शुबे से आपको बचाने के लिए ना इसमें मैं ES6 इस वजह से लिख रहा हूँ, दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है। इसमें मैंने ये बेसिक जावास्क्रिप्ट लिखी और मैंने लिखा जी वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स में आके प्यारे बच्चों आप जो आ रहे हैं अंदर वो शोर नहीं करना, अपने खामोशी से बैठना है अपनी अपनी जगह पर, ठीक है? अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ES6 के वेरिएबल बनते हैं वो लेट करके बनते हैं, ठीक है? ये आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा, लेट होगा ये सिंटैक्स है, उसके बाद वेरिएबल का नाम होगा, मिसाल के तौर पे num1 वेरिएबल का मैंने नाम रखा, और उसके बाद इक्वल्स टू लगा के आप यहाँ पे लिख देंगे कोई भी, जैसे 23 मैंने फ़िलहाल लिख दिया यहाँ पे। तो अब ये जो सिंटैक्स है इसमें लेट जो है वो कीवर्ड वेरिएबल का ये नाम है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये लिटरल वैल्यू है। इसको हम क्या कहते हैं, इतने पार्ट को हम कहते हैं नंबर लिटरल। अच्छा, अगर ये ऐसे होता तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। सही है, इतना पार्ट जो है, और ये इस पार्ट को हम कहते हैं वेरिएबल। ये वैल्यू नहीं है, ये लिटरल है। हाँ, ये इसको आपने लिटरल बोलना है मेरी क्लास में, ठीक है? ये लिटरल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं console.log कर रहा हूँ, ठीक है, और console.log पे मैंने लिखा ये हेलो, तो ये मैंने जो बात लिखी है क्या है, ये स्ट्रिंग लिटरल है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे num2 भी लिख सकता था, तो अब मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल, ठीक है? तो लिटरल और वेरिएबल आपको समझ आ गया। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले जो वेरिएबल है हमारा वो कौन सा वाला है, नंबर वेरिएबल है, राइट? नंबर वेरिएबल है हमारे पास, नंबर बूलियन स्ट्रिंग हमारे पास, ये हमने 5 वेरिएबल पढ़ना है। तो ये मैं आपको ज़रा पाँचों जल्दी से बता देता हूँ कि इन पाँचों में जो छोटी छोटी बातें नोट करने वाली, जो नोटेबल इसके अंदर चीज़ें हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का जो नंबर वेरिएबल है ये मेमोरी के अंदर 64 बिट लेता है, ये 64 बिट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ये। सही है, यानी अगर एक वेरिएबल आप जावास्क्रिप्ट का बनाते हैं तो ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर 64 बिट जगह लेगा ये। अच्छा, इसी तरीके से जो नंबर, ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है ये पर कैरेक्टर क्या लेता है, कोई बता पाएगा? पर कैरेक्टर ये मेमोरी में कितनी जगह लेता है? 8 बिट। हाँ भाई, और भाई पीछे जावास्क्रिप्ट जिनको आती है 7, ये लेगा 16 बिट। सही है, 16 बिट लेगा ये पर कैरेक्टर, 16 बिट पर कैरेक्टर लेगा ये अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है तो। अच्छा, इसी तरीके से जो लेट, जो हमारे पास बूलियन है कि इज एक्टिव, मिसाल के तौर पे इज एक्टिव इक्वल्स टू फॉल्स, ये थियोरेटिकली इसको 1 बिट लेना चाहिए, ठीक है? 1 बिट इसको लेना चाहिए, लेकिन जो है वो क्या करता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, V8 के इंटरनल कुछ चीज़ों की वजह से ये थोड़े ज़्यादा लेता है एक्चुअल में। अच्छा, और हमारे पास कौन सा जी मौजूद है, एरे और ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, इसको हम जब एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे हम जब देखेंगे। अच्छा, तो ये 3 जो हमारे वेरिएबल्स हैं ना, अच्छा इन तीनों वेरिएबल के बारे में एक बात समझ लो कि ये जो 3 वेरिएबल हैं, यही 3 वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के असली वेरिएबल हैं।
ये बाकी के जो दोनों इन्हें कंस्ट्रक्ट हैं ये, ठीक है। अच्छा, इनको हम प्यार से क्या कहते हैं, इन तीनों को, इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, या इसको हम नेटिव डेटा टाइप कहते हैं। सही है, ये जो टर्मिनोलॉजीज मैं बता रहा हूँ इसको यार आपने भूलना नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, नेटिव डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप। अच्छा, बाकी की जो दोनों कंस्ट्रक्ट हैं वो। अच्छा, अब इसमें और क्या बात रह गई थी कि जावास्क्रिप्ट के किसी भी वेरिएबल में ना कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको मैं जब कुछ और उसमें डालूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको वो मना नहीं करता। अच्छा, और मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों वेरिएबल को आपस में प्लस माइनस कर सकता हूँ, वो प्लस माइनस के ऑपरेटर में हम देख लेंगे। अच्छा, इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो यार वो पूछ सकता है। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि जी इसके अंदर जो है ना लेट लिखा है मैंने जस्ट, और डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दिया। नाम तो मेरी मर्ज़ी का होगा, जो भी नाम होगा। अच्छा, नाम में भी आप ये समझ लें कि नाम स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता, एरर दे दिया इसने। स्टार्ट ये क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट से होगा या कैरेक्टर से स्टार्ट होगा किसी, जो ए से जेड तक के जो स्मॉल या कैपिटल, ठीक है। और वेरिएबल के नाम के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं आ सकते। स्पेशल कैरेक्टर दो इसमें अलाउड हैं, एक तो डॉलर और एक अंडरस्कोर, ये दोनों स्पेशल कैरेक्टर अलाउड हैं, उसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर मैं नहीं लगा सकता। तो सवाल दोस्त का ये था कि जी लेट लिखा मैंने, और आमतौर पे क्या होता है जैसे सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंटीजर करके मैं लिखता हूँ कि जी इंटीजर है और नम वन है और इक्वल्स टू 23 है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ लेट लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, जो जिसके अंदर हम टाइप बता के इनिशियलाइज करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि वो ये 23 को देखता है और वो खुद डिसाइड कर लेता है कि ये कौन सी टाइप है, ठीक है। और इस 23 को देखेगा तो वो स्ट्रिंग कर लेगा, इसको देखेगा तो ये फॉल्स कर लेगा। हाँ, अगर आपने चेक करना हो किसी वेरिएबल को समहाउ कि यार ये इस पॉइंट पे ये क्या है टाइप इसकी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ लगा के आप ऐसे ब्रैकेट ओपन क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको इसको एज अ ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। असल में ये ऑपरेटर ही है, ठीक है, हर लैंग्वेज में ये ऑपरेटर होता है। वो गोल ब्रैकेट इन्होंने चलो दे दिया, किसी कुछ सोच के दे दिया। तो टाइप ऑफ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब इसके आगे नम टू, तो इस जगह पे क्या रिटर्न हो जाएगा, इस जगह पे इसकी टाइप लिख के बता देगा ये, ठीक है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि ये खुद गायब हो जाएगा यहाँ से और इसकी जगह पे स्ट्रिंग लिखा हुआ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो देखते हैं चला के इसको। अच्छा, इसको मैंने कर लिया कॉपी यहाँ से और कंसोल पे गया मैं और रिफ्रेश किया इसको। पाथ चेंज कैसे हो गया, कॉपी पाथ। अच्छा, रिफ्रेश किया मैंने तो देखें आप स्ट्रिंग यहाँ लिखा हुआ आ गया, और ये कौन से लाइन नंबर से आया है, लाइन नंबर 21 से ये कंसोल मेरे पास आया है, ठीक है। तो लाइन नंबर 21 पे ये टाइप ऑफ नम टू मैंने किया था। अच्छा, इसी तरह मैं बाकियों का भी टाइप ऑफ लगा के देख सकता हूँ। ठीक है, हाँ भाई पूछो सवाल। सर, ये जैसे हमारे नंबर में भी बहुत सारे, हाँ, इसमें फ्लोटिंग है और डेट, हाँ, होता है जिसमें वन डिजिट फ्लोटिंग होता है, टू डिजिट फॉल्स होता है, तो इसमें अगर हम नंबर दे रहे हैं सिंगल इंटीजर का, हम डॉट के बाद वाली वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे। अच्छा, 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट ही है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें इंटीजर नहीं बना सकते आप। जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही बनेगा और एक ही डेटा टाइप है इसमें नंबर की। जैसे सी लैंग्वेज में इंटीजर अलग है, फ्लोटिंग अलग है, और ये काइंड ऑफ 15 डिजिट तक लेता है, वो आप देख लीजिएगा, 15 डिजिट तक कुछ समहाउ समथिंग ये लेता है, है? नहीं, इनका सवाल ये है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेता है, यही सवाल है ना। वो 15 डिजिट शायद लेता है पॉइंट के बाद, या 16 डिजिट लेता है। हाँ, नहीं नहीं, आप बगैर पॉइंट वाला भी लिखेंगे ना तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट ही कंसिडर करता है। हाँ, लेकिन अब उसको प्रिंट करवाते हुए समटाइम हम कहते हैं अच्छा यार पॉइंट के बाद जीरो प्रिंट नहीं करो, तो उसमें टू फिक्स करके एक चीज़ होती है, वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, मुझे याद दिलाई हम करके दिखा। तो प्रिंट करते हुए जो है ना हम उसमें बताते हैं। चलिए जी, क्लास का हमारे टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।